के नगर पालिका चुनाव में किसी के हाथ में बत्तख होगा तो किसी के हाथ में हाथ ठेला, किसी के हाथ में कछुआ होगा तो किसी के हाथ में गेहूं की बाली। नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट्स। बिहार में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, यानी कि अब मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे सीधे जनता चुनने वाली है। तो अब चुनाव चिन्ह की भी घोषणा हो गई है कि इस बार हालांकि पहली बार ही हो रहा है, तो जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होने वाला है तो इसमें चुनाव चिन्ह क्या रहेंगे, क्या कुछ सिंबल है, चलिए हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। नगर पालिका चुनाव में इस बार मेयर पद के प्रत्याशी वोटरों के पास हारमोनियम लेकर जाएंगे तो किसी उम्मीदवार के हाथों में जलता हुआ दिया होगा। चुनावी मैदान में शंख बजाने वाले भी दिखेंगे तो कोई वोटरों को मुर्गा दिखाकर रिझाएगा। दिलचस्प ये है कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में गैस का चूल्हा तो पार्षद पद के प्रत्याशियों के पास रहेगा, लेकिन गैस का सिलेंडर मुख्य पार्षद के पद के प्रत्याशियों के पास रहेगा। दरअसल नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए सिंबल निर्धारित कर दिया है। बिहार में पहली बार नगर पालिका के चुनाव में मुख्य और उप मुख्य पार्षद के पदों का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य पार्षद के पद के प्रत्याशियों के लिए 32 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, वहीं उप मुख्य पार्षद के लिए 21 और पार्षद पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 25 चुनाव चिन्ह रिजर्व रखे गए हैं। रिजर्व चुनाव चिन्हों का प्रयोग तब किया जाएगा जब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो जाएगी। चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए आयोग ने सॉफ्टवेयर विकसित भी किया है। चलिए अब बात करते हैं चुनाव चिन्ह की, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सिंबल जारी किया है उसके बारे में। तो मुख्य पार्षद के पास रहेंगे कप और प्लेट, मोटरसाइकिल, नल, ताला और चाबी, टमटम, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, कबूतर, चरखा, चारपाई, टाइपराइटर, मछली, वैन, मेज, टेबल लैंप, रेल का इंजन, गैस सिलेंडर, हारमोनियम, बल्ब, जलता हुआ दिया, कोटा, जोड़ा हिरन और मुर्गी, साथ ही तुड़ही, कछुआ, लेटर बॉक्स, स्टूल, कुदाल, अलमीरा, जीप, शंख और सीढ़ी। अगर हम बात पार्षद की कर ले तो पार्षद के लिए जो सिंबल दिया गया है वो है कलम और दवात, ढोलक, टेम्पो, वायुयान, मोमबत्तियाँ, काठ, गाड़ी, मोड़, चिमनी, कैमरा, पुल, जोड़ा बैल, खजूर का पेड़, बाल्टी, जग, चापाकल, टोकरी, उगता हुआ सूरज, तोता, टेलीविजन, टॉर्च, डीजल पंप, टॉफी, गाजर, मोबाइल, ट्रैक्टर, कुआं, कुर्सी, स्टोव और ब्लैक बोर्ड, ऊंट, किताब, सीटी, हंसिया, कोतली, गैस का चूल्हा और सेब। तो ये पार्षद के सिंबल थे। मतलब इस बार पार्षद चापाकल से लेकर और सीटी बजाने से लेकर गैस का चूल्हा दिखाकर मतदाताओं को लुभा सकते हैं। अब हम बात करें मुख्य पार्षद की, तो गेहूं की बाली, पीपल का पत्ता, घड़ा, चश्मा, कुल्हारी, टेबल फैन, तितली, पानी का जहाज, आम, स्कूटर, रोड रोलर और बकरी, हाथ का ठेला, बत्तख, तराजू, कार, छाता, डमरू, घोड़ा, तालाब और डोली, ये उप मुख्य पार्षद का है। वही रिजर्व चुनाव चिन्ह की बात करें तो लड्डू, बगुला, हल, बरगद का पेड़, चौका बेलन, टोप, लिफाफा, मक्का, कांच का ग्लास, अंगूठी, ट्रक, बांसुरी, भोजन की थाली, माचिस, हैंगर, कंघा, मलमूसक और खुरपी, नारियल, बल्ला, प्रॉक, गुड़िया, लेडी, पर्स, ब्रश और मोतियों की माला, ये सारे वो चुनाव चिन्ह है जो इस बार नगर पालिका चुनाव में सिंबल दिया गया है। तो ऐसे में अब तैयार हो जाइए कि आपको भी जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है, चाहे पार्षद के उम्मीदवार हैं, ये लोग आपको बत्तख दिखाकर, आपको हारमोनिया बजा के या फिर साइकिल चला के आपको लुभाने की तैयारी करने वाले हैं। तो तैयार आप भी हो जाइए, जल्द ही अब बिहार में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है और इस तरीके के कुछ चुनाव सिंबल भी अब बटेंगे। किसके हाथ क्या जाता है ये तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।